एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। खुशखबरी, नए साल में सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे 3 बड़े तोहफे। मोदी सरकार खोल सकती है खजाना। विशेषज्ञ चिकित्सकों के 2382 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू। एमटीएस परीक्षा भर्ती 19 को। यूपी 33,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। नई योजनाओं पर फोकस। बेसिक स्कूलों के लिए CSR यूनिट का गठन। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,000 अभ्यर्थियों का चयन कराएगा एक अंक। यह था प्रश्न। स्कूल में 3 कागजों पर 6 रसोइयां। विद्यालय में आधी अधूरी कार्यपुस्तिका, कैसे निपुण हो विद्यार्थी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्स मैन ईहब यूट्यूब चैनल पर। खुशखबरी, नए साल में सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे 3 बड़े तोहफे। मोदी सरकार खोल सकती है खजाना। नई दिल्ली, नया साल सरकारी कर्मचारियों के लिए कई सौगात लेकर आने वाला है। जनवरी में मोदी सरकार 3 बड़े फैसले ले सकती है जो करोड़ों कर्मचारियों पर सीधा असर डालेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार को साल 2023 की शुरुआत में 3 बड़े फैसले करने हैं, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। मोदी सरकार हर 6 महीने पर DADR महंगे भत्ते में इजाफा करती है और इस बार जनवरी में फिर बदलाव करना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार DA में 5% का इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 43% हो जाएगा, जो अभी 38% है। मोदी सरकार ने बीते जुलाई में भी महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था। इसके अलावा सरकार को फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला करना है। साथ ही कोरोना काल में फ्रीज हुआ 18 महीने की DA का एरियर रिलीज करने पर भी फैसला हो सकता है। EPFO कैसे कैलकुलेट होता है, EPF खाते पर ब्याज, जब चाहे पता कर सकते हैं अपना बैलेंस, मोटा पैसा दिलाएगा DA का एरियर। मोदी सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक यानी 18 महीने तक कर्मचारियों का DA फ्रीज कर दिया था। यानी इस दौरान कर्मचारियों के DA में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। हालांकि बाद में एकमुश्त 11% DA बढ़ा दिया गया था, लेकिन फ्रीज की गई अवधि का एरियर कर्मचारियों को नहीं दिया गया। अगर मोदी सरकार इस एरियर पर फैसला करती है तो नए साल पर यह बड़ा तोहफा होगा। इसे कर्मचारियों को एकमुश्त 1,000 रुपये का भुगतान होगा। हालांकि DA एरियर का फैसला कर्मचारियों के पे बैंड पर निर्भर करता है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के 2382 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू। प्रयागराज आयोग ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती 5 दिसंबर से शुरू होने की सूचना 30 सितंबर को ही प्रसारित कर दी थी, लेकिन सोमवार सुबह से आयोग का सर्वर ठप रहा। पूरे दिन अभ्यर्थी परेशान रहे, लेकिन आयोग की वेबसाइट सुबह से लेकर दोपहर तक नहीं खुल रही थी। आयोग ने NIC से संपर्क कर वेबसाइट दुरुस्त करने को कहा था। शाम को वेबसाइट खुल सकी। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ का कहना है कि सर्वर में समस्या के कारण वेबसाइट को लेकर थोड़ी समस्या थी। प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग एलोपैथी के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों के 2382 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हो गए। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी और पूरी तरह से भरे हुए आवेदन ऑनलाइन सबमिट करने की आखिरी तिथि 5 जनवरी है। आवेदन में यदि त्रुटि हुई है तो अंतिम तिथि से पहले संशोधन का एक मौका मिलेगा। प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक ग्रुप सी के तहत मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 19 दिसंबर को होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मौजूद लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा के लिए प्रस्तावित सिलेबस भी जारी कर दिया है। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य ज्ञान, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005, विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस, कार्यालय प्रक्रिया आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यूपी 33,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, नई योजनाओं पर फोकस। राज्य के विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार ने सोमवार को अनुपूरक अनुदान बजट के माध्यम से और 33,789.54 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष के लिए दिए। इसमें नई योजनाओं पर फोकस है। बजट से सरकार की कोशिश है कि औद्योगिकरण, निवेश, प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, सड़क तथा अन्य विकास कार्यों को गति दी जा सके। सरकार ने नए शहरों के विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कुंभ 2025 की तैयारियों के साथ ही पर्यटन विकास की योजनाओं के लिए भी धनराशि का प्रावधान है। योगी सरकार के लगातार दूसरी बार सत्ता में काबिज होने के बाद यह पहला अनुपूरक बजट है। अनुपूरक बजट में किस क्षेत्र के लिए कितना आवंटन, 8,000 करोड़ औद्योगिक पार्क व हब के विकास के लिए, 899 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए, 200 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए, 4,000 करोड़ नए शहरी इलाकों और 5,917 करोड़ बिजली के लिए, 8,000 करोड़ रुपये प्रदेश में निजी निवेशकर्ताओं द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्कों के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिए। लखनऊ निजी घरानों से मिलने वाली मदद यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR के तहत स्कूल संवारने में तेजी आएगी। इसके प्रस्तावों पर विचार करने से लेकर इसके मॉनिटरिंग तक के लिए राज्य स्तर पर CSR यूनिट का गठन किया गया है। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजयकरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,000 अभ्यर्थियों का चयन कराएगा
एक अंक यह था प्रश्न। एक प्रश्न के उत्तर पर विवाद के चलते अंक नहीं पाने पर चयन से बाहर हुए कुल 69,000 शिक्षक भर्ती के करीब 1,000 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिलने की उम्मीद जगी है। हाईकोर्ट ने उत्तर कुंजी विवाद में एक अंक के चलते चयन से वंचित याचिकाकर्ता अपीलकर्ता को एक अंक देकर शिक्षक पद पर चयन करने के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP सचिव को अनुपालन का हलफनामा देने का अवसर दिया है। भर्ती में PNP की उत्तर कुंजी के उत्तरों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की थी। हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट की डबल बेंच ने एक प्रश्न के उत्तर के चारों विकल्पों को गलत मानते हुए एक अंक देने का आदेश दिया था। कहा था कि 25 अगस्त 2021 तक के उन याचिकाओं अपीलकर्ताओं का चयन करें जो एक अंक से वंचित रह गए। हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई सरकार की अपील खारिज हो गई। कोर्ट ने याचिका की ओर से लगाई गई अवमानना याचिका पर PNP सचिव को आदेश का पालन कर एक माह के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। प्रतियोगी दुर्गेश शुक्ल के मुताबिक प्रश्न के उत्तर का अंक नहीं देने से करीब 1,000 अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए थे। हाईकोर्ट के आदेश से चयन की उम्मीद जगी है। यह था प्रश्न। शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिसमें उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा दी गई है। उत्तर विकल्प SN मुखर्जी द्वारा, कैम्बेल द्वारा, वेलफेयर ग्राम द्वारा, डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा द्वारा। मानपुर ब्लॉक का कंपोजिट विद्यालय पिपरकुंडी में 306 बच्चे शिक्षणरत हैं। कागजों पर यहां 6 रसोइयों को तैनाती दिखाकर उनके नाम पर भुगतान लिया जा रहा था, जबकि स्कूल में केवल 3 रसोइयों का काम है। यहां पर तैनात गुरुजनों को भी इसकी जानकारी हुई जब घोटाले की पोल खुली। 3 से काम 3 का फर्जी भुगतान। मंझनपुर के प्राथमिक विद्यालय ताहरपुर में 169 पंजीकृत हैं। यहाँ पर 3 महिला रसोइयाँ काम कर रही हैं, जबकि 3 पुरुष रसोइयों के नाम का फर्जी भुगतान हो रहा था। स्कूल के शिक्षकों को इसका पता तब चला जब सत्यापन के लिए अधिकारियों ने तलब किया, अन्यथा उन्हें भी इसकी जानकारी ना हो पाती। विद्यालयों में आधी अधूरी कार्य पुस्तिका कैसे निपुण हो। विद्यार्थी महाराजगंज निपुण भारत मिशन के तहत प्रसिद्ध विद्यालयों के विद्यार्थियों को निपुण बनाए जाने की पहल तो प्रारंभ कर दी गई, मगर आधी अधूरी व्यवस्था से समस्या आ रही है। विद्यालयों में कहीं भाषा की पुस्तकों का अभाव है तो कहीं गणित की। ऐसे में कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों को निपुण बनाने की सोच मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए भाषा और गणित में मापदंड निर्धारित करती है। उस स्तर तक के बच्चों को पारंगत बनाने की पहल की गई थी। बच्चों को दी गई जानकारी के नियमित अभ्यास के लिए कार्य पुस्तिका भी उपलब्ध कराई जानी थी। कार्य पुस्तिका उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ तो किया गया, मगर अभी भी कहीं भाषा तो कहीं गणित की कार्य पुस्तिका नहीं पहुंच सकी है। कार्य पुस्तिका के न पहुंचने जहां कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे नियमित रूप से अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, वहां उनके निपुण बनने की सोच को भी झटका लग रहा है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।